चाहिए क्या 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 करूँ? हाँ हाँ वो कर सकते इधर आ रहे हैं अभी देखो ये बहुत मनोज उधर आओ हाँ बस वहाँ मनोज ठीक है हाँ मैं अभी देखो आप फिर कैसी करेंगे देखना बट टेक कर लेना आपको मिलेगा हाँ पूरा मिलेगा देखो 1 2 3 आओ मैं ये और ये नीचे और ये झाप 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 ये एंकर वेरी नाइस किसी का वीडियो होता है ना तो मैं वीडियो पे वो मुझे हायर करते और रील बना के उनके गाने पे मैं डालती उनके गाने से ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ जाते हैं बराबर है हाँ एंड इज़ माई डायरेक्टर माई ब्रदर इज़ द बेस्ट डायरेक्टर इधर सर इधर हो जाए और कुछ चाहिए मैन आई थिंक एक यहाँ है फैंस मेरा डिसाइड करती मेरी लाइफ का बिकॉज हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड हर कोई स्टार को फैंस ही बनाते हैं यू अंडरस्टैंड तो बस कल मैं दिल्ली गई थी और ये लंबे बाल मैंने दिल्ली में लगवाए आदिल के लिए आदिल ने वादा किया था वो दिल्ली में आएंगे मुझसे मिलेंगे और मैंने उनके लिए सूट पहना था सरप्राइजली और ये जो नकली बाल है अंदर से इतना दर्द हो रहा है खोपड़ा दुखी है इतना दर्द हो रहा है लेकिन वो कल आए नहीं तो मैं बहुत सैड हो गई थी मैं और जब उन्हें पता चला कि मैं बहुत सैड हूँ न्यूज़ में देखा मीडिया वालों तुम्हारे चरण कहाँ हैं मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ बन रही है तो फिर आदिल को सैड हुआ और अभी भाग के आ रहा है आज आने वाले काफ़ी खुशी देख वैसे मैं इतने मैसेज करूँगी तो कभी नहीं आएगा मीडिया ने इतना दिखा दिया कि मैं सैड हूँ धरती फट जाए मैं गिर जाऊँ तो रोने लग गया और उसने कहा कि नहीं तुम ही मेरी हीर हो तुम ही मेरी रांझा नहीं मांझा तकदीर हो प्यार हो मैं आ रहा हूँ तुमसे आज मिलने किस तरह की तैयारी आपने की है कुछ तो तैयारी मिलने के लिए किस तरह की तैयारी करूँगी तैयारी स्पेशल बहुत तैयारी हो मेरे दिल में मैं नहीं बता सकती और मैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश हूँ एकदम यू नो क्या बोलूँ मैं अंदर से वो निकल रहा है फूल लेना समारी है हां फूल लेना समारी फूल तो गई हूं मैं ऐसा नहीं है मेरे फूल पहन के आई हूं तुम मैं इतने फूल पहन के आई हूं और मतलब इतनी फूल रही हूं उनके प्यार में क्या बताऊं और ये हेयर्स के पीछे कुछ तो रीजन रहेगा आपने कराया दिल्ली जाके ये मैंने दिल्ली में जाके बाल करवाए मेरे छोटे बाल है इतना दुख रहा है अंदर ना सर पूरा मैंने करवाया बिकॉज आदिल मुझे कहते हैं ही लव्स द नेक्स्ट डोर गर्ल जिसके लंबे बाल हो जिसके सलवार कमीज हो जो हर बात में ऐसे ऐसे बार बार ऐसे नज़रें झुकाती हो और हवा में जिसकी बाल उड़े अब मेरी नज़रें झुकाना मेरी तो नज़रें हमेशा उठती है मैं एकदम अपोजिट हूँ बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आदिल की तरह उनको उनके दिल की तरह बिकॉज इज माई हार्ट तो मैं भाई कोशिश कर रही हूँ कि उनकी तरह डोर नेक्स्ट गर्ल बनूँ परफेक्ट गर्ल बनूँ और वो भी चुना किसको है राकेश सावंत को जो शर्म का एज भी नहीं मुझे मालूम है बट मैं कोशिश कर रही हूँ आज आ रहे हैं काफी अच्छे एयरपोर्ट आ रहे हो क्या तुम लोग हम लोग हाँ मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ एंड राकेश जी हाल ही में करीना कपूर खान ने कहा कि जो थर्ड बेबी का उनके बाद रूमर्स फैल रहे थे रूमर्स को डिनाई किया अब किस तरह से देखते हो काफी रूमर्स फैलते प्रेगनेंसी के रूमर्स थे उनके थर्ड बेबी का उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे माय गॉड भाई लोग वो लोग मज़े करें वो लोग थर्ड बेबी पैदा करें चार पांच बेबी पैदा करें आप मुझसे क्यों पूछते हो ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे इस तरह के रूमर्स फैलाने कितना गलत है ऑडियंस को मैं कुछ नहीं कहूँगी ऑडियंस एंटरटेन होती है डजंट मैटर न्यूज़ चाहे कोई भी हो ऑडियंस मुझे भी कहती है यार ये क्यों बोलती वो क्यों बोलती क्यों ना बोलूँ बराबर क्यों ना बोलूँ मीडिया मुझे शूट करती है तो मैं क्यों ना बोलूँ और मैं एंटरटेनर हूँ अगर मैं नहीं बोलूँगी तो तुम लोग का टाइम पास कैसे होगा तुम लोग को एंटरटेन कौन करेगा भाई
और दूसरे तो ऐसे छुपा छुपा के भाग जाते हैं सारे सेलिब्रिटी। मैं एक हूँ जो बोलती हूँ मीडिया में। एक मेरी उर्फी फ्रेंड है जो पूरा एकदम उलाला दिखा देती है। ओ पूरा उलाला आ गया क्या, देख लिया? अच्छा, ओ माय गॉड, अब वो उलाला दिखाती है और मेरा बोलना ही काफी है। तो उसका बॉडी का हॉटनेस और मेरा बोलने का हॉटनेस। फैमिली प्लानिंग में बिलीव करती हूं कि हम दो हमारे लोग, मैं बोलना चाहती हूं मैं तो खुद फैमिली प्लानिंग करना चाहती हूं, बस आदिल मान जाए। कब कब तक, लाइक आपको क्या लगता है, मानेंगे नहीं मानेंगे आदिल? क्यों नहीं मानेगा? प्यार करता है मुझसे, डेफिनेटली मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? देखो हर किसी का प्रॉब्लम्स होता है, आप समझ रहे हो ना? बरोबर। आप सब देखो, मैं अकेले हूँ मुंबई में, मेरे पेरेंट्स रेडी है, उसके पेरेंट्स रेडी नहीं है, और उसको सब भड़काते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं, डोंट मैरी राखी। वाई नॉट? क्या मुझे, क्या मुझे में क्या कोई कांटे लगे हैं क्या? मुझ में तो सिर्फ फूल ही फूल लगे हैं। देखो क्या फूल है, व्हाट अ लवली फ्लावर आया है, खुशबूदार। वही देखो ना, मेरा रिश्ता तुड़वाते हैं सब, अब पब्लिक को बोलो मेरा रिश्ता जुड़वाए जल्दी से। और बिग बॉस में आप जाओगे इस बार? भाग जाओ, भाग जाओ, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। जा रहे हो इस बार जिस तरह लास्ट ईयर आपको देखा था, इस बार भी बिग बॉस और बगैर राखी के, राखी और आदिल के हो सकता है क्या? बिग बॉस राखी जी और सलमान जी, भाई जीजा और राखी, क्या कॉम्बिनेशन है। शादी भी इस बार बिग बॉस के अंदर ही हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी इस बार बिग बॉस के अंदर, मेरा निकाह हो जाए आदिल के साथ। ओके, बिग बॉस आप कराओगे निकाह मेरा बिग बॉस में? आई वॉन्ट माई मैरिज शुड बी देयर। और ऐसे मेरे दुपट्टे की डोर बांधना कि आदिल कभी जिंदगी में अगले 7 जन्म तक तोड़ ना पाए। और कन्यादान अगर सलमान भाई करे तो काफी अमेजिंग। एक मेरा राजू भाई और एक मेरा सलमान भाई, काफी अमेजिंग हो जाएगा। मैं चाहती हूँ सलमान भाई, आप तो शादी नहीं कर रहे हो, वो लड्डू नहीं चखे हो, मुझे तो चखा दो लड्डू, मेरा कन्यादान कर दो बिग बॉस के अंदर। आई वॉन्ट कि आप पगड़ी बांध के आए पिंक कलर की, और आप मेरा जो निकाह है वो आदिल के साथ करवा दें बिग बॉस में। सलमान भाई कर दो ना प्लीज। थैंक यू राखी, थैंक यू। चलो, अरे मेरा फोन चोरी हो गया। अरे फोटो तो करने दो राखी जी, इधर एक फोटो करते हैं आराम से। पीछे आओ, पीछे आओ भाई। मसाला तो मैं ही देती हूँ तुमको, थोड़ा फोटो करते राखी भाई। बोला आपने शूट करी है, एडिट कर दीजिए राखी जी। यहाँ पे प्यार की खुशी अलग होती है, तुम झंडो लोग क्या जानते हो। चलो बाय, बोलो झालो। आवाज तो सुनाओ, आवाज का मैं सुनूंगी।